आजमगढ़ प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत गैलरी का उद्घाटन पुलिस लाइन स्थित आजमगढ़ सभागार में किया गया। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने ओडीओपी गैलरी का कार्य अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त एसएस रावत के सहयोग से पूर्ण कराया गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के दृष्टिगत प्रदेश के 26 जनपदों के प्रोडक्ट जनपद आजमगढ़ की पुलिस लाइन स्थित सभागार में मिलेंगे, जिनमें आजमगढ़ की काली मिट्टी के बर्तन, रेशम की साड़ी आदि एक साथ उपलब्ध होंगे। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि सुंदरीकरण के तहत गैलरी का उद्घाटन किया गया है। इसमें 26 जनपदों के ओडीओपी प्रोडक्ट को शामिल किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे पुलिसकर्मी विभिन्न जनपदों में जाते हैं, वहां उनको उस जिले की महत्वपूर्ण उत्पादों की जानकारी पहले से उपलब्ध रहेगी, तो खरीदारी करने में सहूलियत रहेगी। जैसा कि आप अवगत है कि शासन के निर्देशों के क्रम में पुलिस लाइन का जो हमारा परिसर है उसमें लगातार सौंदर्यीकरण की और हमारे जवानों के लिए बेहतर सुविधाओं के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। उसी के क्रम में आज जो मीटिंग हॉल है पुलिस लाइन का, उसमें एक ओडीओपी गैलरी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट गैलरी का उद्घाटन किया गया है, जिसमें अभी 26 जिलों के 28 प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए गए हैं। हर एक जिले का एक प्रोडक्ट जो चिन्हित किया गया है, जो वहां की सबसे बड़ी खासियत है उस जिले की, तो ऐसे अभी 26 जिलों के 28 प्रोडक्ट्स हम लोगों ने यहाँ डिस्प्ले किए हैं। और ये एक तो मीटिंग हॉल को एक अच्छा लुक देने के लिए, और उसके साथ साथ जो हमारे पुलिसकर्मी हैं जो भी इस मीटिंग हॉल में आए, वो एक एक डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट देख सकते हैं। और क्योंकि पुलिसकर्मी अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार की ड्यूटियों के लिए भी अलग अलग समय पर जाते रहते हैं, अगर वो किसी जिले में जा रहे हैं तो वहाँ का जो ओडीओपी के रूप में चिन्हित प्रोडक्ट है उसको भी वो वहाँ से खरीद सकते हैं।